हम जी स्कोर्स को यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को जब जी स्कोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उससे फर्दर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम उसको स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन में कर... आपने देखा होगा कि बहुत से साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए एक आपके पास स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होते हैं एवरी एक्स वैल्यू इज ट्रांसफॉर्म्ड इन टू जी स्कोर एंड देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जी स्कोर विल हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विच इज़ शेप द मीन एंड द डिविएशन। शेप का मतलब क्या है कि जब आप रॉस स्कोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को जी स्कोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी शेप बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी कि रॉस स्कोर्स की शेप है क्यों अगर वो स्क्यूड है तो वो वैसे ही रहेगा अगर वो नॉर्मल है तो वो नॉर्मल ही रहेगा सो द शेप विल रिमेन द सेम इफ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड फॉर एग्जाम्पल दैन द जी स्कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वुड ऑल्सो बी स्क्यूर्ड क्यों क्योंकि हम उसी रॉस कोर को एक स्टैंडर्ड जी स्कोर्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपकी जो शेप है डिस्ट्रीब्यूशन की वो एग्जैक्टली exactly वही रहेगी इसी तरह मीन फर्ज करें जैसा हमने अभी पीछे एग्जाम्पल्स भी की हैं कि अगर आपके रॉ स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन का मीन सेवेंटी है या हंड्रेड है या सिक्सटी है तो जब हम उसको जी स्कोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी मीन हमेशा ज़ीरो हो जाएगी और स्टैंडर्ड एविएशन हमेशा हमारी वन हो जाएगी ऑल पॉजिटिव जी स्कोर्स आर अबव द मीन एंड ऑल नेगेटिव जी स्कोर्स विल बी बिलो द मीन जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन में देखा है कि जी स्कोर्स के साथ अगर पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब है कि वो मीन से ऊपर हैं सारे यानी अगर किसी भी बंदे का अगर आप रॉ स्कोर वो कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊं कि उसका जी स्कोर वन बना है तो यू इमीजिएटली कैन हैव एन आइडिया कि वो मीन से वन स्टैंडर्डिएशन ऊपर है जिसका मतलब है कि अगर मिडल पॉइंट फिफ्टी है और मीन से वन तक का एरिया पॉइंट है तो ऑलमोस्ट एटी फोर परसेंट क्लास जो है वो उससे नीचे है इससे तरह अगर मैं आपको बताऊं कि z उसका माइनस वन किसी इंडिविजुअल का है तो यू कैन इमीडिएटली गेस कि वो इंडिविजुअल मीन से वन स्टैंडर्डिएशन यूनिट नीचे है आ, आ, सो उसका स्कोर प्रटली लो होगा स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन मीन उसका जीरो हो जाएगा और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन उसका हमेशा वन हो जाएगा जब भी हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन रॉ स्कोर के डिस्ट्रीब्यूशन को जी स्कोर में कन्वर्ट करेंगे When any distribution with any mean or standard deviation is transformed into z scores, the resulting distribution will always have a mean of 1 and standard deviation of 0. This universal truth that when we convert distribution mean z scores, to the mean is 0 and standard deviation is 1. Hogi. One advantage of standardizing distribution is that it makes it possible to compare different scores. We have Uh, जब जी स्कोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स को डिफरेंट वेरिएबल्स को uh, एक ही बंदे की परफॉर्मेंस ऑन डिफरेंट टेस्ट के ऊपर वी कैन डायरेक्टली कंपेयर कि वो कहाँ पे लाइक like कर रहा है और कहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और फिर हम एक ही पार्टिसिपेंट की परफॉर्मेंस भी अक्रॉस डिफरेंट जैसे फर्स्ट करें uh, मेरे बेटे का अगर है तो उसका स्पोर्ट्स में ग्रेड क्या है और उसका मैथमेटिक्स uh, में क्या है और उसका इंग्लिश uh, लैंग्वेज में क्या है सो तो, बिल्कुल आर्ट और म्यूजिक में क्या है आई कैन कंपेयर वन परफॉर्मेंस अक्रॉस नो मैटर हाउ डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स आर वंस आर इन टू जी स्कोर्स वी कैन डायरेक्टली कंपेयर दैम अच्छा एक मैंने आपको बात बताई कि हम स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं जब हमने जी स्कोर्स में कन्वर्ट कर लिया किसी भी रॉ डेटा को तो फिर हम उसको स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं किस लिए कन्वर्ट करते हैं जैसा देखें इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं बहुत सारे आपका वेस है विस्क है आपका रेवेंस है आपका ओटस है सो देर आर मेनी डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट अब हर अगर इंटेलिजेंस टेस्ट की उनकी मीन अलग है स्टैंडर्ड डिविएशन अलग है तो इट विल बी हार्ड फॉर एनी पर्सन टू यू नो मेक सेंस ऑफ एनी आई जब हम इंटेलिजेंस क्वेश्चन अपना बताते हैं फर्स्ट करें मैं बताऊं जी मेरा 120 है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सली जितने भी आई क्यू के टेस्ट हैं उनको स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया होता है जिसका मीन हंड्रेड होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन फिफ्टीन या टेन होती है सो so, जब मैं अपना आई क्यू बताऊंगी तो इमीजिएटली वन कैन हैव एन आइडिया कि ये अगर हंड्रेड है स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो आपका मीन से ऊपर है अबव एवरेज है तो so, इसी तरह हमारे पर्सनैलिटी के बहुत से टेस्ट हैं वी डोंट हैव वन टेस्ट तो अक्रॉस डिफरेंट टेस्ट हाउ वी विल मेक सेंस ऑफ कि मेरा कॉन्शियशियसनेस पे स्कोर कैसे है और मेरा अग्रिएबलनेस पे स्कोर कैसे है सो वी कन्वर्ट अ जी स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन इन टू अ स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन सो द स्कोर मेक मोर सेंस इन यूनिवर्सली जो लोग हैं उनको समझ आए कि किसी भी इंडिविजुअल की स्टैंडिंग कहाँ पर है सो टू मेक अ स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या करते हैं कि पहला स्टेप उसमें यह है कि हम औरिजिनल रॉ को जी स्कोर्स में कन्वर्ट करते हैं जिसका फॉर्मूला आपको सबको पता है आ, जो कि है एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाई डिविएशन। दूसरा स्टेप है कि फिर जी स्कोर्स आर देन कन्वर्टेड इनटू और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू एक्स वैल्यूज कैसे हम उसमें प्लग इन कर देते हैं नया स्टैंडर्डाइज मीन और नया स्टैंडर्डाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड इविएशन ताकि वो यूनिवर्सली मेक सेंस कर सके सो so, इसमें हम दोबारा सेकेंड स्टेप के ऊपर जी स्कोरस को कन्वर्ट कर देते हैं नए रॉ स्कोरस के अंदर जिसमें एक्स इज इक्वल टू मीन प्लस जी इन टू स्टैंडर्डिये ये मैंने एक नीचे एग्जांपल आपके लिए सॉल्व की हुई है कि ऑन अ टेस्ट यू गॉट अ स्कोर ऑफ़ सेवेंटी विद अ मीन ऑफ सिक्सटी एंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिये ऑफ टेन सो पहले स्टेप पे मैं इसको जी स्कोर में कन्वर्ट करूँगी और जो जी स्कोर में कन्वर्ट करूंगी तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स माइनस मीन विच इज़ सेवेंटी माइनस सिक्सटी डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एवियशन विच इज़ टेन तो द जी स्कोर विल बी वन अब पहला स्टेप हो गया अब मैं इस जी स्कोर को ट्रांसफॉर्म करूँगी स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन में जिसका मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्सली हंड्रेड उसका मीन हो और स्टैंडर्ड एवियेन टेन हो तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आई विल प्लग इन वैल्यूज इन टू दिस फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर की हैं तो नया एक्स कैलकुलेट करने के लिए आई विल पुट के मीन उसका मैंने हंड्रेड रखा है आपका जी स्कोर मैंने ये निकाला है वन और स्टैंडर्ड इवियशन आपकी टेन है तो आई प्लग इन द वैल्यूज़ एंड आई विल कैलकुलेट न्यू रॉ स्कोर विच विल बी वन टेन सो ना इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके साइकोलॉजी के साइकोमेट्रिक्स के अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर हम यूजली उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं जिसका मकसद ये है कि वो यूनिवर्सली अंडरस्टैंडेबल हों एंड पीपल कैन रिलेट एंड कंपेयर परफॉर्मेंसेस ऑन डिफरेंट टेस्ट कर सकें जैसा आपके पास मैंने एग्जाम्पल दी हुई है एक और कि हमने <coughs> बात की थी शुरू में एक उसका शेप ऑफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली वही रहेगा ये पहले स्टेप पर ओरिजिनल रॉ स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरे पर मैंने उसको जी स्कोर में कन्वर्ट किया है सो शेप विल रिमेन द सेम पोजिशन विल रिमेन द सेम इन एवरी इंडिविजुअल विल बी एट द सेम प्लेस और फिर मैंने उसको नए रॉ स्कोर में कन्वर्ट किया है यानी स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर विद मीन ऑफ फिफ्टी एंड डिविएशन ऑफ टेन सो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ये था इसमें मैंने अगेन एग्जाम्पल दी हुई है फॉर एग्जाम्पल आपका जैनब गॉट अ स्कोर ऑफ फोर्टी थ्री एंड अली गॉट स्कोर ऑफ सेवेंटी वन विद द मीन ऑफ फिफ्टी सेवन एंड स्टैंडर्डविएशन फोर्टीन ये एक टेस्ट के ऊपर उनका स्कोर है पहले स्टेप पे मैं उनका z कैलकुलेट करूँगी फॉर जैनब एंड अली तो मैंने इनका z कैलकुलेट किया दोनों का और फिर दूसरे स्टेप पे मैं इनको कन्वर्ट करूँगी इनटू न्यू रॉ स्कोर विद अ मीन ऑफ 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 लेकिन यू सी के जब मैंने इनको z में कन्वर्ट किया और फिर उसको दोबारा किया तो उसकी शेप और उनकी लोकेशन और स्टैंडिंग एग्जैक्टली exactly वैसी ही रही जैसी कि वो पहले थी लेकिन इसका फ़ायदा ये हो गया कि अगर बाकी भी फ़र्ज करें इट्स आई क्यू टेस्ट या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट है तो बाकी भी फिर हम स्टैंडर्डाइज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिवर्सली कि सबका हम आई क्यू टेस्ट में मीन हंड्रेड रखते हैं और स्टैंडर्ड रिविजन टेन है तो so, क्या फ़ायदे हैं सैम्पल ऑफ जी स्कोर विल हैव द सेम शेप एज औरल साम्पल ऑफ द स्कोर जो हमने बात कर ली है द सैम्पल ऑफ द जी स्कोर विल हैव अन ऑफ ज़ीरो डेफिनेटली हमने इसकी भी बात कर ली है और उसका स्टैंडर्ड रिविशन जो है वो हमारा वन रहेगा Uh, why we convert scores into a standardized distribution? For example, Scholastic aptitude test, hai. SAT, ke test, hai, sare, They are transformed into a standardized distribution with a mean of 500 and a standard deviation of 100. Q Because we transform it. We make comparable universally. So if you report the SAT score, everybody has an idea that your mean 500. Hai. What is your score? So I can relate those scores. I can see your standing in the distribution, and that will be more meaningful. And that'll be more easy for me. So this is how we uh, you know convert into raw score into z and then z-score into a standardized distribution.